मैं अशोक कुमार सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, विधान परिषद सिवान। आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने भाई बेटा को जितावें और आपका अपना मान सम्मान बढ़ावें। जय हिंद। मैं अजय भास्कर चौहान, एमएलसी प्रत्याशी सिवान, आप सभी समस्त मालिकों से, तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप 5 नंबर पर प्रथम वरीयता का मत दे करके अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, पंचायत सरकार के अधिकार के लिए आप अपना प्यार और दुलार देने का कार्य करिए, ताकि जब हम यहाँ से बिहार विधान परिषद जाएं तो आपकी आवाज़ बन करके आपके हक की लड़ाई लड़ सके। अजय चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, 9 तक बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लगभग वोटिंग में 2 से 2 दिन का समय रह गया है। और आपको बता दें कि पूरा तापमान बढ़ा हुआ है। तमाम जो नेता थे, जनप्रतिनिधि को जिनसे वोट लेना है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उन लोगों का इरादा क्या है और क्या। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपकी बार किसको आशीर्वाद मिल रहा है? इस बार अशोक सिंह को जिताया जाएगा, क्योंकि उनके साथ छवि है। और जनता जो है, और जो वार्डर और मुखिया जीते हैं, जो जीत के आए हैं, ये समझिए कि जो प्रशासन बिहार में चला, और इससे पहले जो भी यहाँ का एमएलसी बना, सब आपराधिक किस्म के व्यक्ति। आज एक साफ छवि सुथरा आदमी और ईमानदार व्यक्ति आया है, उसको सभी लोगों के मन में बैठा कि हम एक साफ सुथरे व्यक्ति को ही जिताए। क्योंकि 20 साल पहले ये यहाँ के लोग बहुत त्रस्त थे, यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ का जो अपराधिक व्यक्ति थे, उससे बहुत त्रस्त थे। और भी बीच में जो कैंडिडेट हैं, आपको पता है कितने आपराधिक मामले उन पर चल रहे हैं। इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई ऐसा शिकायत नहीं है। तो यहाँ का सिवान का जनता इस बार पूरा तन मन से इनके साथ, यानी स्वच्छ छवि हावी रहेगा। स्वच्छ छवि हावी रहेगा, क्योंकि स्वच्छ छवि शीर्षित भी कर रहा है, और स्वच्छ छवि ही सिवान में इस बार अपना जो मजबूती हाथ को मजबूत करके अशोक सिंह के लिए। तो और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उसी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपकी बार किसको आशीर्वाद मिल रहा है? की बार कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह जी होते जा रहे हैं। क्यों? उनकी और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, लेकिन उनकी छवि ऐसी है, साफ़ छवि, कोई उनके ऊपर मामला नहीं है, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं उनको। और आज का जो समय चल रहा है, उसमें लोग अब समझ बूझ कर नेता चुन रहे हैं। हर आदमी अब होशियार हो गया है, सब कुछ जानने लगा है, इसलिए सबको अब चाहिए कि कोई हमारे बीच में अच्छा आदमी आए, ताकि हमारे विकास करें। इधर आ जाए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, अब चुनाव में 2 दिन का समय रह गया है, पूरा तापमान बढ़ा हुआ है, और देखिए कि एकदम लोग चुनाव वोटिंग करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो जो आप यहाँ आ करके जन जन का मत ले रहे हैं। मैं तो ये 100% निस्वस्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ कि अशोक बाबू जीतेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि सबसे शरीफ है, ये 8 कैंडिडेट हैं, उसमें सबसे शरीफ कैंडिडेट है, प्लस ये किसान के नेता हैं। जितने भी वार्डर हैं, अभी तक कोई किसी के मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि वार्डर को पेंशन दिया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी, ये अशोक सिंह का मतलब जो कि मैनिफेस्टो है। जगह जगह गांव-गांव में ये पब्लिकली कोई चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, पब्लिक के द्वारा चुने हुए नेता हैं, वो लोग तो अपना जो भी मांग रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो अलग। जगह जगह स्टेडियम का मांग, बच्चों के खेलने का, मतलब हर तरह के जा करके ये अपना बता रहे हैं पब्लिक में, तो मैं आऊँगा तो ये कराऊँगा, मैं आऊँगा तो ये कराऊँगा। बाकी लोग का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने
बाहुबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पब्लिक का कोई सिर्फ अशोक सिंह है जिन्होंने वार्डर को बोला जे कि आपको मैं जीतूंगा तो आपको सिवान में ठहरने का व्यवस्था गेस्ट हाउस टाइप का, क्योंकि सिवान का एरिया बहुत बड़ा है। तो मान लीजिए कोई गुठनी से आएगा तो सिवान जा कर के कोई मीटिंग अटेंड करके फिर वापस नहीं जा पाएगा तो रात को वहीं विश्राम करेगा। तो इस टाइप का इनका मैनिफेस्टो है। बाकी आप लोग तो है ये हैं और पब्लिक मतलब जो पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं तो घूम रहा हूँ गाँव गए जा रहा हूँ, अरे हम तो किसान के बेटे हैं, बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बता पाए। मैंने ज़मीनी स्तर पर कहना है, मतलब ज़मीनी स्तर पर जो नेता है उन्हें चुने जो जो काम करने में सक्षम हो, काम करने में सक्षम है। बिल्कुल काम करने में सक्षम है, उनको मालूम है कि कैसे फंड आता है, उनको सब कुछ मालूम है कि कैसे फंड आता है, कैसे काम कराया जाता है। इसके पहले जो थे उनको नहीं मालूम था, इसके पहले अपना थैला भर करके लोग साइड होते जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। इससे पहले टूना पांडे जी थे, शराब माफिया, उनका नाम ही है शराब माफिया। कोई अपना नाम रखवा रहा है पब्लिकली जी कि मैं बाहुबली हूँ, लोग कह ही रहे हैं जो तो बाहुबली हैं। आपको नहीं मालूम है यहाँ जितने भी हैं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने बोला जी कि इससे पहले लोग नहीं थे, टूना पांडे जी थे और पार्टी से थे निर्दलीय, पार्टी में सम्मिलित हो गए। भाई तो अभी एक बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे हैं विनोद जायसवाल जो राजद कैंडिडेट हैं, गाजरा के उद्योगपति हैं, तो भाई उनको वोट क्यों नहीं, उनको क्यों वोट? बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो, तो जब मुखिया का इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तभी से साल और अंगूठी पहनाने लगे। तो एक बात बताइए जी कि एक छोटा चुनाव है और आप साल अंगूठी सिकड़ी बांट रहे हैं, तो इसका मतलब जी कि आप तो कहीं लिख रहे हैं, आपका कहीं अकाउंट खाली हो रहा है, वो तो लिख रहे हैं, इसको कैसे फिर भरेंगे? इशारा क्या आप कहने का मतलब? इशारा ये है कि आप लोग किसी के झांसे में मत आइए। मैं पब्लिक से निवेदन करूंगा, वार्डरों से निवेदन करूंगा, आप अपनी भलाई जैसे ये लोग अपनी भलाई सोच रहे हैं वैसे ही देश की भलाई आप लोग सोचिए। पैसे पे ना जाए, पैसे पे मत जाए, अंगूठी पे? अंगूठी तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं ये जरूर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आने वाले जैसे माहौल चल रहा है इससे उभर करके आइए। मैं राजेश हूँ। देखिए बहुत बढ़िया बोलते हैं, इनसे तो चालन वाली बात हुई, एक दो लोग और हैं उनसे भी थोड़ा राय जान लेते हैं। क्या लगता है सर अंगूठी पैसा और क्या क्या सब चल रहा है, हालांकि इसका प्रमाण मतलब नहीं है? सुना है कि अंगूठी वो सिकड़ी दे रहे हैं लेकिन प्रमाण किसी के पास भी नहीं है, कोई बताएगा भी नहीं कि हमको क्या पैसा मिल रहा है। लेकिन सभी बाजार में सभी हल्ला मचा रहा है कि सिकड़ी दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 50 रुपये बांट रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिनका जनता ने अपना मूड बना लिया है, वार्ड में मूड बना लिया है किसको वोट हमें देना है, उनको वोट देने जा रहे हैं। किसको मूड बना लिया? अशोक सिंह को। क्यों अशोक सिंह को जिता रहा? अच्छा, मनोज सिंह इसमें कई आदमी ना अशोक सिंह उद्योगपति हैं, ना उद्योगपति नहीं बाहुबली हैं, नहीं शरीफ आदमी है और किसान के लड़के हैं, इसलिए वोट बना रही है। चीज हर पब्लिक इनसे जाके मिल सकती है और गुंडागर्दी का राज खत्म कर रही है। सिवान के अंदर गुंडागर्दी पहले भी था और अभी लोग चाह रहे हैं करने के लिए, वो नहीं होगा इसमें। सभी लोग गुंडागर्दी मनोज सिंह का है, अच्छा ना दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये सभी का गुंडा रह जाए आप पता कर लीजिएगा। आपको तो मनोज सिंह गुंडे किए हैं? अभी करते हैं, आज थोड़ी कर रहे हैं, शुरू से करते हैं, साबुद्दीन के एरिया से करते हैं, उनसे दो मतभेद हुआ तब से गुंडागर्दी करते हैं। बड़े गुंडा है छोटे गुंडा है? बड़े गुंडा है वो, छोटे गुंडा कहाँ है, बड़े गुंडा है। तो आप लोगों से डर लगता है? हम लोग का डर लग रहा है, हम लोग का डर ना है किसी से। तो क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्यों चेंज करना? परिवर्तन चाहते हैं ना, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों होगा? परिवर्तन आदमी को बढ़िया चुने तभी तो परिवर्तन होगा। देश में परिवर्तन है, बिहार में परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन ही तो चेंज करना चाहते हैं। पहले वाला सब खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। क्या खत्म करना चाहते हैं? ये गुंडाई करना चाहते हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। एकदम आप लोग उठ चुके हैं? बिल्कुल उठ चुके हैं। तो क्या चाहते हैं अभी, मैं किस क्या रिक्वेस्ट करेंगे? दो लाइन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बढ़िया कैंडिडेट को जिताइए और अशोक सिंह जीत रहे हैं, उनको छवि बढ़िया है, उनको जिताने काम करिए। एक लाइन और आपको जोड़ दें, बताइए। जोड़ना ये है कि अभी बिहार चल रहा है हवा एकदम बीजेपी का, आप जिसको बीजेपी जो कैंडिडेट है आप लोग गुंडा कह रहे हैं, तब क्या होगा? नहीं नहीं गुंडा है तो कहेंगे ना जी, व्यक्तिगत में एमएलसी का चुनाव व्यक्तिगत में होता है और व्यक्तिगत में ही वोट दिया जाता है, इसमें जनता नहीं चुनती है, जनता से प्रतिनिधि चुनते हैं इनको। तो वो लोग सब देख रहे हैं कि कौन आदमी बढ़िया है, कौन आदमी खराब है, उनको हिसाब से वोट दिया जा रहा है। अच्छा, आपके बगल में उनसे कुछ गुंडा है कि नहीं? बिल्कुल। भैया बताइए कि एमएलसी का चुनाव है, दो दिन का समय है, एकदम अब समझ लीजिए जोर शोर लग चुका है, जितना हो सकता है ताकत लोग झुक चुके हैं। क्या लगता है आपको जीतेंगे इस बार? अशोक सिंह जीतेंगे जी। क्यों अशोक सिंह? आप सुना सुनी बोल रहे हैं? नहीं, अच्छे छवि का आदमी है,
इन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में इज्जत है। इसके अलावा क्या उम्मीद है, इसके अलावा क्या लगता है कि इनके आने से कुछ हो सकता है? उदार जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है इसलिए चुन रहे हैं आप लोग कि सिर्फ मतलब ऐसे ही सब नहीं, विकास का काम होगा, हमें विकास चाहिए। अशोक सिंह पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको सब कुछ मालूम है, वो विकास कर देंगे। इसके पहले जो थे विकास नहीं किए हैं, सब पॉकेट भरने वाले हैं, पहले भरने वाले हैं भाई। इसके पहले अगर टुन्ना पांडे जी की बात की जाए तो काफ़ी खुद पैसे वाले हैं, उनका पैसा भरेंगे। वो तो माफिया आदमी है, सब लोग जानते हैं। कौन सी की माफिया है? वो तो आपको दारू का है, दारू की माफिया है उनका, चल सब दादागिरी चलता है। तो मनोज सिंह ऐसे ही है, मनोज सिंह कौन लाइक करता है? कोई लाइक नहीं करता है। क्यों नहीं लाइक करता भाई, वो पार्टी से भी है, लाइक नहीं करता था बीजेपी टिकट क्यों देती? उनका तो दल बदल हुआ आदमी है, कभी इधर रहेंगे कभी उधर जाएंगे, सब लोग जानते हैं। अविनोद जसवाल वो तो एक नहीं गया, बड़े नेता है भाई, बड़े नेता है। पैसा वाला पार्टी एक दिन पैसे बांट के चला गया, उसे पाँच साल पता ही नहीं कहाँ, पाँच साल तक पता था उसका, इलेक्शन में अगली बार जीता था, जीता नहीं इलेक्शन में, उसके बाद उसका पता नहीं कहाँ गया वो, फिर जीत के फिर जीतेगा ही नहीं, हो मेरे को वोट ही नहीं देगा उसको। तो बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, आपको बता दें कि तमाम लोग थे जो मौजूद थे यहाँ पर, और आपको बता दें कि एक तरह से सरगर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ है चुनाव का, लोगों में एक तरफ से कहीं ना कहीं रोष है और लोग जागरूक हैं। ये लोग नहीं, जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनके घर के लोगों से हमारी टीम से बातचीत हो रही है प्राप्त सूचना के अनुसार। और आपको बता दें कि लोगों का साफ कहना कि गुंडा इलाज नहीं चलेगा, पैसा धन दौलत अंगूठी रुपया ये सब नहीं चलेगा, सीधा साफ छवि वाले को चुने। इनके नज़र में साफ छवि अशोक कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 4 तारीख को क्या जनता, क्या जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने भलाई के लिए, क्षेत्र के भलाई के लिए इनको आशीर्वाद देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा और ये बहुत बड़ा सवाल है। तब तक हर खबर हमारी टीम आप तक पहुँचाती रहेगी, जो रोज देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और तमाम लोगों को दुआ सलाम अदा।